ये वजीर आजम का भी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे जहां पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट का। इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फतह सीसी, जो कि खुद एक मिलिट्री कू के ज़रिए पहले जनरल थे, डिफेंस मिनिस्टर थे आई थिंक, एंड देन वो खुद ही अपने आप को सदर बना लिया और पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है, मिडल ईस्ट, अमेरिका, और बड़े इतिहादी हैं वो जेब इसराइल के, अमेरिका के, सऊदी अरब के। और अब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, अगर आपको याद हो कि रिपब्लिक डे आई थिंक 26 जनवरी में इनको चीफ गेस्ट बुलाया था और वो खुद भी पहुंच गए हैं 5 महीने बाद दोबारा इजिप्ट में, और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं, और जारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। माजरा चाहता हूँ, वो जो एक इम्प्रेशन जाता है कि ये मुल्क जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी जो है हमने तो साइड ली थी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोरा कम्युनिटी के साथ है, और सुनने में आ रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क लैंड किए तो वहाँ पे भी दाऊदी बोरा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। और अब आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो हैं वो कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को, और कह रहे हैं कि जनाब ये भारतीय फौजी थे। आप इमेजिन करें, ये होता है व्हेन यू ओन योर पीपल। हम जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं मिडल ईस्ट में, वो कहेंगे पाए आए थे, मुसलमान मुल्क है, ठीक है। इंडिया के वज़ीर आज़म गए तो उन्होंने कहा जी ये तो वो जो उस वक्त यूनाइटेड इंडिया जो था उसका वो है। अब ये चीज़ें देखें जिसे वो कहते हैं ना कि अभी मेरा ख्याल है कोई 7 या 3 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, आगे वो इसको को 12 अरब डॉलर पे लेके जाना चाह रहे हैं। छोटा सा मुल्क है इजिप्ट, वो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया ने उसके साथ कैसी अच्छी पार्टनरशिप की हुई है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पहुँचना, एक तो वो जारी बात है इन्होंने उनको बुलाया गया G20 समिट के लिए, फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक तासुर दिया जा रहा है कि यार नरेंद्र मोदी जो है ये उनके बारे में ये जो कंपेन की जाती है कि वो मुसलमानों के करीब नहीं है, तो वो भी एक है। फिर दाऊदी बोरा कम्युनिटी को भी मिले, फिर जो वहाँ पे कायरों के जो इमाम हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत कुछ है जो डिस्कस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इजिप्ट के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करती रही है वहाँ पर। हमें हमें वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जमात इस्लामी जो कि इंडिया में भी है, जो कि पाकिस्तान में भी है, ये इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते रहे हैं, और वहाँ की जो मिलिट्री है और जो सऊदीज हैं और जो बाकी ममालिक हैं, अमेरिकन हैं, इसराइलीज हैं, दे ऑलवेज वॉन्टेड कि हम जो मुस्लिम ब्रदरहुड है इसको दबाएँ। और वो और मुस्लिम ब्रदरहुड की अपनी नालायकियाँ भी हैं, और क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड को ईरानी भी बड़ा सपोर्ट करते थे। तो ये जो जब इससे पहले इजिप्ट के अंदर जब अरब स्प्रिंग आई, जैसे कि बाकी खित्ते में थी, तुनिसिया, मोरक्को, बाकी ममालिक में, तो इजिप्ट के अंदर आई थिंक 2011-12 में उस वक्त जब हुआ, तो उस वक्त जो इजिप्ट के सदर थे हुस्ने मुबारक, उन्होंने जो है उनका तख्ता उल्ट दिया गया और इलेक्शंस हुए, और इलेक्शन के रिस्पांस में जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत आ गई। उस मुस्लिम ब्रदरहुड की जो हुकूमत है
जो प्रेसिडेंट मुरसी उस वक्त आए जो मुस्लिम ब्रदरहुड के पहले, लेकिन उनको बड़ी थिन मेजोरिटी 51% थी, और वो फिर क्योंकि मौलवी थे और मौलवियों का काम होता फिर मौलवी झंडा लगाना, उन्होंने फिर वो अपना वो किया। वो हर पाकिस्तान भी मुझे याद है वो जब वो आए, उसकी वजह ये थी कि वो पाकिस्तान को उस लेंस से देखते हैं। हम जो इजिप्ट है, और इजिप्ट और फिर पाकिस्तान का एक और प्रॉब्लम भी रहा है, अगर मैं आपको इस पाकिस्तान इजिप्ट के लिए चक्कर में ले जाऊँ, कि पाकिस्तान और इजिप्ट दोनों जो हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप के चक्कर में भी हैं। पाकिस्तान ने जब सेंटो जैसे जो सीटो सेंटो जैसे एग्रीमेंट्स किए अमेरिका के साथ, और हम जो है वो बड़ा बढ़ चढ़ के अमेरिका के सामने आ रहे थे, तो इजिप्शियंस को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि हमें जिसे वो कहते हैं ना कि हमने अपनी वो वी हैव मिस्ड द बोट, हमने वो कश्ती ही जला दी है जिस कश्ती में हम अच्छे तरीके से दुनिया के साथ इंगेज कर सकें। आज अगर आप देखें कि ये जो क्या नाम है इनका, इजिप्ट के सदर जो हैं वो जितना वेलकम दे रहे हैं मोदी साहब को, आप इसको सोच भी नहीं सकते कि वो उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान का वजीर आजम तो मुझे पता है लास्ट टाइम मेरा ख्याल है शर्मुल शेख को कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ गए थे, उसके अलावा तो मैंने नहीं कभी सुना। हो सकता कहीं गए हों, मैं वंस आई मेट द इजिप्शियन डिप्लोमेट्स, कहीं मैं अब्रॉड था तो मैंने कहीं मुझे मिले तो मैंने कहा सुना है जी पाकिस्तान के साथ आप कैसे ताल्लुकात, उन्होंने कहा कोई हाल नहीं है। ठीक है, सो उससे पता ये चलता है कि जो हमारी जो लीडरशिप है वो हम मुस्लिम वर्ल्ड में कोई इजिप्ट को इतना हाई वो नहीं करती। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्मार्टली बड़ा केयरफुली हर उस मुल्क के करीब गया है जो पाकिस्तान के करीब था या जो पाकिस्तान से ज़रा सा मसला रखता था। और इजिप्ट क्योंकि जोग्राफिकली अफ्रीका में है, पोलिटिकली मिडल ईस्ट में है, तो इसको बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना कि एक एडवांटेज है इस सेंस में कि ये बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन यूएस इजराइल रिलेशंस, सऊदी अरब इजराइल रिलेशन, एंड देन अब इंडिया इजराइल रिलेशन के अंदर। सो सॉरी मैं इजराइल फैक्टर मिस कर गया था। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर इंडिया इजराइल जो पार्टनरशिप है दैट फर्दर गिव्स, और मेरा ख्याल है कि इफ आई विल नॉट बी रॉन्ग द इसराइलीज मे हैव सुजेस्टेड इंडिया दैट के उनको थोड़ा से ताल्लुकात जो हैं वो इजिप्ट के साथ तेज़ करने चाहिए, और ये ही वजह है कि इसराइल की वजह से इंडिया ने किया है। और आपको पता है इंडिया जो है व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में जो ओपिनियन है इसराइल की बड़ी लंबी चौड़ी बात मानता है, उसकी वजह ये है कि बिकॉज इसराइल के बड़े स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप हैं अरब वर्ल्ड में हैं, कुछ ख़राब हैं कुछ अच्छे हैं लेकिन फिर भी रिलेशनशिप तो हैं, तो इस वजह से इसराइल की बात वो मानते हैं। अब जो इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखें ना असल चीज़ें, तो इकोनॉमी बिजनेस है ठीक है विजिट, तो ये कोई इंडिया का वजीर आजम, मैं आपको बात बताऊँ दुनिया के जो बहुत सारे वजीर आजम हैं वो दुनिया में इसलिए ट्रैवल नहीं कर रहे कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे याद है रशियन प्रेसिडेंट पुटिन 2011-12 में पाकिस्तान आना चाह रहे थे लेकिन कोई सब्सटेंसिव एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, कोई ऐसी चीज़ बन नहीं पा रही थी, तो वो नहीं आए पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा ना कि मैं नहीं जाना। ठीक है, इसी तरह मुझे लगता है कि भारत का वजीर आजम भी हर जगह नहीं पहुंच जाता हमारे वजरा आजम की तरह। साढ़े वजीर आजम तो कहें जो ठीक है जो कुछ 4 को दिन जान छुट्टे कि पाकिस्तान तो वहाँ पीछे पे ही है, मीडिया पीछे पे है, फाड़ लो उन रही है, नसो यार तो किधर निकली है, तो 10 4 दिन रेस्ट करके आए, 2 दिन बीच में भाईजान के बड़े भाईजान के साथ लंदन या दुबई में गुजार लेंगे, 3 दिन जो है वो ट्रिप कराएंगे। अवाम को भी पता होगा जी वो तो बाहर गए हुए हैं, मुल्कों के साथ ताल्लुक आता है, लेकिन इंडियन वजीर आजम जब जाता है तो दे हैव अ लॉट ऑफ एजेंडा टू डिस्कस। अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये जो इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखें तो जो इजिप्ट और इंडिया जो है दे आर वर्किंग ऑन अ बार्टर एग्रीमेंट ट्रेड के हवाले से, और क्योंकि इजिप्ट के पास डॉलर नहीं है तो वो चाहते हैं बॉर्डर एग्रीमेंट हो जाए, और इजिप्ट जो है वो रुपए में पेमेंट करना चाहता है फर्टिलाइजर्स की गैस की, और इंडिया की जो इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं आपको पता है। तो ये अगर एक जो एक ब्रॉडर एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसमें जिसे और फिर दूसरा ये है कि इंडिया इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सोने क्रेडिट लाइन भी इजिप्ट को दे रहा है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 7-7 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है जो कि इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, और ये 12 अरब डॉलर तक अगले 5 साल में इंडिया एंड सऊदी अरब लेके जा रहे हैं।
और इंडिया आपको पता है कि उन पांच बड़े ममालिक में है जो कि इजिप्ट की जो एनर्जी कमोडिटीज़ हैं उनको जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है और बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो मैं कहता हूँ ना, गल बात गई है। अब देखें, अभी जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट प्रेजेंट सीसी हैं, ही इज टॉकिंग के जी जो ही थिंक्स के हम वी कैन प्ले अ रोल फॉर इंडिया। और वो क्या रोल है, और इंडिया भी इस चीज़ पे वो देख रहा है, वो कह रहा है जी ये जो ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव है इंडिया की, हम इस इजिप्ट हमारी मदद करें। अब यहाँ पे आके चाइनीज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल है, चाइनीज़ को भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इंडिया को ये एडवांटेज आता है कि इंडिया को अमेरिका सपोर्ट करता है फॉर द ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव। बल्कि मैं तो देख रहा था पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी नॉर्थ एंड साउथ की बात की, ऐसे शर्मिंदगी से बात कर रहे थे, खुल के बात करें, ये क्या हुआ? अगर इंडिया बात कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? साउथ साउथ है, ग्लोबल साउथ है। मैं तो वैसे 2017-16 से इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मुझे याद है वंस आई वॉज ऑन ए टेलीविजन, पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन पे, और उस वक्त यूएन का सेशन चल रहा था। तो दुनिया, हालांकि ये नैरेटिव तो बड़ा पुराना है, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ, तो ये नैरेटिव तो बड़ा पुराना है, लेकिन द क्वेश्चन इज के हम क्यों नहीं ग्लोबल साउथ की बात कर सकते? तो वो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ पेरिस में कह रहे थे कि जिस तरह नॉर्थ एंड साउथ हैं तो जिस्म के दो हिस्से हैं, तो ये नहीं हो सकता कि नॉर्थ जो है वो खुश रहे और साउथ में मसले पैदा हों। तो ये जिस्म है, जिस्म का एक हिस्सा ठीक है और एक हिस्सा खराब है। बातें तो वो बड़ी इमोशनल और अच्छी कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि द वर्ल्ड वांट टू सी द रियलिटी, द वर्ल्ड वांट टू सी कि भाई आप सिर्फ कहानियां ही करांदे हो कि तुहाडे को कुछ है भी है, मेरा हर दफा आके मैं लॉलीपॉप दे के चले जाते हो। अब ये इजिप्ट को वो कहते हैं जी एक ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव में हमारा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनलाइज अपरेटस बनेगा ग्लोबल साउथ के हवाले से, ममालिक होंगे उनको कहा जाएगा ज्वाइन करें, कोई ग्रुप बनेगा, ठीक है जी, और इंडिया बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स टू बी द फेस ऑफ द ग्लोबल साउथ। बहुत मुश्किल है, मैं आपको बात बताऊँ, बहुत मुश्किल है। उसकी तीन वजूहत हैं टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, तीन वजूहत हैं, इकॉनमी, डिफेंस एंड दूसरा आपकी पॉलिटिक्स। उसमें आपको पॉलिटिकली चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। देखिए, उन्होंने अमेरिका में आके पाकिस्तान को तो लताड़ देता और ना क्या है पाए ना दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर देना, इन्हें तो छाड़ देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये मजे की बात, तो पूरी दुनिया में इंडिया ये बात करता है, द वर्ल्ड डजंट सब्सक्राइब इट व्हेन इट कम्स टू द बायलैटरल रिलेशंस विद द वर्ल्ड। अमेरिका इंडिया पाकिस्तान को जब अमेरिका पाकिस्तान जब बायलैटरली बात करेंगे तो ये बातें नहीं करेंगे, पाकिस्तान इंग्लैंड बात करेंगे, पाकिस्तान फ्रांस बात करेंगे तो ये कोई नहीं कहेगा, जिस ये पाकिस्तान जापान ये बात करेंगे तो कोई नहीं। और ये जो मैं आपको बात हूँ, ये जो रिसेंटली मोदी साहब का अमेरिका का ट्रिप था, तो नॉर्मली जब ये कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा होता है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगी उसमें क्या आएगा, तो उसमें ये जो होस्ट मुल्क होता है जैसे पाकिस्तान है, तो वहां से जरूर ओपिनियन ली गई होगी बाय स्टेट डिपार्टमेंट कि ये इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर हम ये करें तो, ठीक है। क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर पाकिस्तान को हम कहते हैं अ कंट्री दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म, अ कंट्रीज दैट सेंड पीपल इन अ क्रॉस इज सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है, बिकॉज वंस आई वॉज प्रीवी टू अ सिचुएशन जहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा उस मुल्क का, जहाँ पे मुझे बताया गया कि इंडिया एंड वो मुल्क जो है दे वर टॉकिंग कि हम पाकिस्तान को जो है वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ नॉट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हम डालना चाहते हैं। तो वो जो मुल्क था उसकी जो डिप्लोमेट्स थे, आई मेट देम, उन्होंने मुझे बताया कि हमने बड़ी कोशिश की कि ये रुकावट रुकावट पैदा हो, हमने बड़ी कोशिश की और अपने कैपिटल को बताया कि ये ना किया जाए, लेकिन सम हो वो कहते हैं हमारा कैपिटल वॉज इंसिस्टेंट कि नहीं, जो हम बड़ी पिक्चर देख रहे हैं उसमें आप नहीं देख रहे हैं, नो एंड सो एंड सो। सो मुझे लग रहा है कि दैट्स जस्ट अ न्यू नॉर्मल फॉर पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया कह रहा है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान की आपस की पर्सनल राइवलरी है, जो पाकिस्तान इंडिया के बारे में कहता है दुनिया नहीं बोल रही, यार आया थे पाकिस्तान तो कहते रहते,
और जो इंडिया पाकिस्तान के बारे में कहता हो, दुनिया कहती हो ये तो इंडिया कहते रहता है, लेकिन ठीक है इनकी बात सुन लो, बिकॉज इंडिया का इस वक्त पोलिटिकल इकोनॉमिक हैवी वेट ज़्यादा। मैं ग्लोबल साउथ के इनिशिएटिव की बात कर रहा था कि तीन चीज़ें हैं, इकोनॉमी, डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। इसमें तीनों में देखना यह है कि इंडिया कहाँ पर खड़ा हुआ, ठीक है, पोलिटिकली इंडिया कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, वो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो डैट कम्स विद द टू अदर थिंग्स एज वेल। आपका जो जो पावर चेस बोर्ड है, अगर आप उसको देखें तो जो इकोनॉमी है एंड डिफेंस है दैट प्ले अ रोल, आपके फिर इसमें ऑटोनॉमी देखी जाती है। तो आप तो 125 अरब डॉलर की चाइना इंडिया की बायलैटरल ट्रेड है, 100 अरब डॉलर की इम्पोर्ट है चाइना से। ये चीज़ें देखने वाली हैं कि इंडिया जो है वो क्या कर सकता है इस हवाले से, इकोनॉमिकली तगड़ा है, कितना तगड़ा है। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, ये ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव इंडिया ने ज़्यादा जल्दी शुरू कर ली है बिकॉज कि उधर चीन दी जल्दी है, कि चीन ना कोई सारा कुछ केयर के ला जाए, ठीक है, और लेकिन बिकॉज उसके लिए यू नीड अ बैकिंग। आप ये तो नहीं कह सकते कि ग्लोबल साउथ में मसले तो भागे भागे अमेरिका तो नहीं जाएंगे कि ये ज़रा हम भी कर रहे हैं आप भी कोशिश करें, ठीक है। ग्लोबल साउथ का इनिशिएटिव का मतलब ये है कि आपके घर में भी चीज़ें ठीक हों, आपकी जो क्या उसे बोलते हैं, बाकी जगहों पे भी चीज़ें ठीक हों, इकोनॉमी, डिफेंस। अभी तो डिफेंस के वाले से इंडिया खुद जा रहा है पूरी दुनिया में और कह रहा है कि यार सानू असला दे दो, साढ़े वो तो चीन बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, इधर पाकिस्तान है, टू फ्रंट वॉर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं ना, दैट इज बेसिकली इंडियन के स्ट्रेटेजिक माइंड सेट में, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एट, इनको देखने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने ये जो ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव लिया है, इसके बड़े ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जैसे कहते हैं, मैं तो देखता हूँ कि भाई देखते हैं क्या होता है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है जी, और कैसे कर रहा है और क्या चीज़ें होंगी। तो ये होगा।